आदर्शों को कुचलते रहेंगे हम, जब तक हाथ में रहेगा परचम हुसैन का। कसरे यजीदियत की दरारों से पूछ लो, तारीख इंकलाब है जिक्र हुसैन का। कसरे यजीदियत की दरारों से पूछ लो, तारीख इंकलाब है जिक्र हुसैन का। अजीजा निगरानी, मेरे बरादर मोहतरम भाई अब्दुर्रहमान कसूरिया साहब ने एक बात की थी, उससे एक जुमला इजाफी करके आगे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया था कि हम इन बेगैरत लोगों को इनके गिरेबानों से पकड़ेंगे, कब्रों से निकालेंगे, ये जाए मदीना तैयबा में, वहां से माफी मांगे। मैंने तालिबान अर्ज किया था, इस मरतबा 25 रमजान और मुबारक को इनको मदीना से भी माफी नहीं मिलेगी, इसलिए कि एक गुनहगार होता है, एक गद्दार होता है, लफ्जों पे गौर कीजिए, एक गुनहगार होता है, एक गद्दार होता है, गुनहगार के लिए माफी होती है, गद्दार के लिए नहीं होती है। इसी साल 25 रमजान और मुबारक को हम वहां थे, जिस वक्त ये वहां गया मस्जिद नबी में ये गिल्ज दाखिल होने लगा, तो उस वक्त मर्द और औरतें बैठे थे, इसको देख के खड़े होकर नारा लगाने लग गए, दो नमाज दो नमाज। मैंने कहा ये कौन धक्के देता है? कफूरिया साहब, ये मेरी बात दिल पे नोट कर ले, जिसको मदीने से धक्का मिलता है कहीं भी बना कीजिए। रब्बे कायनात रे, जब शैतान को जन्नत से निकाला था, शैतान का जुमला कुरान में मौजूद है, शैतान ने कहा था रब्बे बिमा अग़वैतनी, ऐ अल्लाह तूने मुझे निकाला है, अब ये फैसला मैं अवाम की अदालत में लेके जाऊंगा। अल्लाह का कुरान पढ़िए, रब्बे कायनात कहता है, शैतान ने कहा रब्बे बिमा अग़वैतनी, ऐ अल्लाह तूने मुझे मेरे ज्यादा होंगे। कुरान कहता है वला तक अक्सर शाकिरीन, फरमाया शैतान वोट तेरे ज्यादा होंगे, लानत भी तो तुझ पे ना होती है। अदालत ने फैसला किया था कि ये फैजाबाद खाली करा लिया जाए, मैं कहता हूं अगर ये फैसला अदालत का है तो खुद तुझे नाहल भी तो अदालत ने ही किया है, तो फिर जो टीवी पे बैठ के साबिक वजीर आजम की बजाय नाहल वजीर आजम कहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों लेते हो? भाई नाहल का लफ्ज या इंगर का तो नहीं है, ये अदालत का है, अगर अदालत का ये फैसला मानते उसे क्यों नहीं मानते हो? आइए अदालत की बात करते हो, तो फिर मैं पूछता हूँ ये जो सिद्दीकी जज है उससे भी मैं पूछता हूँ, वो कहते अदालत का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो। मैं कहता हूँ अदालत के सबक देने वालों मुझे बताओ, तुम्हारे 73 कायद में लिखा है कि जो जनरल माशाल्लाह लगाएगा उसकी सजा फांसी होती है, कितने जनरल आए कि तुमने फांसी दी है? अगर वहां तुम्हें कानून नजर नहीं आता, इन गुलामा ने मुस्तफा के लिए कानून नजर आता है। अभी जो वहां फैसला हुआ है, अभी अमीरुल मुजाहिदीन ने ऐलान किया है, बात तो उसके यहाँ शुकू को शबात पैदा करते हैं कि काफिला चल पड़ा,
काफिला अभी नहीं चला, ये बातें मैं रख लीजिए। 12 घंटे की आर्मी ने मोहलत दी है, 12 घंटे के अंदर हमारे जितने कायदीन मासूम है उनको आजाद किया जाएगा। 12 घंटे के बाद काफिला वहां से चलेगा, ये बातें मैं रख लीजिए। और हमारे जो फैसले हुए हैं उसमें ये फैसला जाहिर अहमद का होगी जाए, और उसमें 5 रुकनी उलमा की कमेटी बनी है, वो राणा सनाउल्ला का फैसला करेगी। ये मोमिन है या बेईमान है, ये जो उलमा फैसला करेगी उसके मुताबिक कानून हरकत में आएगा। और फिर उसमें ये भी रखा है हमारी बेटी जो अमरीका के नरके के अंदर है आसिया सदीकी, उसके मुतालिक भी मुसलमानों में जागना पड़ेगा। वो मेरी भी बेटी है, वो आपकी भी बेटी है, हम क्यों खामोश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद या रसूल अल्लाह कहने वालों, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आंखें और कान खुले रखे। इन दिनों में नवाज शरीफ की कोठी की चक्कर किन की गाड़ियां लगाती है और फैजाबाद में गोलियों के नीचे कौन बैठता है। सोचते हो खत्मे नबूवत में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले, बड़े बड़े जलसे करने वाले खत्मे नबूवत के वासित होंगे। मैं कसम उठा के कहना चाहता हूँ, उस वक्त से लेकर आज तक खत्मे नबूवत का मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ या रसूल अल्लाह कहने वाला। शहीदों में नाम लिखाने वालों, अंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वालों, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जब उस छोटे 12 साल के बच्चे ने कहा, अरे पुलिस वालों तुम्हारी वर्दी अपनी जगह पर है, मैं भागने के लिए नहीं मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है। और इसको ये बात भी बाकायदा तौर पर शामिल है, और ये बात मैं हासिल को के इंतजामिया को खसूस कहना चाहता हूँ, और ये बात मेरी नोट कर ले। हमारे जलसों पर महाफिल मिलाद पर आसिमपुर की इंतजामिया सुन्नी कयूर लोगों को परेशान करती है, हर जलसे में परेशान होते हैं ये। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज के फैसले में ये भी लिखा गया है कि रबीउल अव्वल शरीफ के जलसे के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जब आप पंजाब में जाते हैं बड़े बड़े जलसे होते हैं, कोई मंजूरी नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, और यहाँ जलसा होता है कभी मंजूरी की बात होती है, कभी कहते हैं कि आवाज सलो कर लो। हमारा सालाना जलसा हो रहा था, मुझे एक अफसर ने फोन किया, कह रहे कि आवाज सलो करो। मैंने कहा यार तुम क्या कहना चाहते हो, इतनी आवाम बैठती है, अगर आवाज सुनानी नहीं तो फिर फोन चलाने का मतलब ही क्या होता है। आइए हम इंतजामिया को कहना चाहते हैं, हम भी आपसे कंप्रोमाइज करेंगे, आप भी करेंगे तो तब होगा, नहीं तो हम या रसूलल्लाह कहने वाले अगर फैजाबाद में बैठ सकते हैं तो हासिमपुर के मिसाल चौक में भी हक 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 नारा तकबीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिर में फिर आने वाले एक एक बच्चे को, एक एक नौजवान को, एक एक बुजुर्ग को, हर तंजीम के कारकुन को, हर तंजीम के सरबरा को मैं दिल की गहराइयों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से उनके कदम की आंख को चूम के उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुमने अपना कदम घर से निकाला तो मेरे मुस्तफा के लिए निकाला, तुम घर से निकले हो तो मेरे मुस्तफा के लिए निकले हो। ये तुम्हारा कदम रायगा नहीं जाएगा, एक एक कदम के अंदर इतनी नेकी अदा करेगा, कल क़यामत को देखेंगे कि ये कदम मेरे मुस्तफा की गुलामी के अंदर निकले। अपने बेटों को आज मेरे मुस्तफा के लिए घर से निकाला है, वही माए अगर ये बच्चों को सबक पढ़ा दे, इनकी खुद को सबक पढ़ा दे, जान है तो मेरे मुस्तफा। या नबी, या नबी, या नबी।
سبحان اللہ.